हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल लेसर टेक्निकल। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं आईबॉल रॉकी मल्टीमीडिया हेडफोन्स विद माइक की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो प्राइस है वो है ₹799। ये मेड इन चाइना है, हालांकि आईबॉल कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है। और इसके अंदर क्वांटिटी वन है, मॉडल नेम आईबॉल रॉकी। इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 ईयर की वारंटी है। इसके अंदर हम अंदर ही देखते हैं, अंदर हमें यहाँ पर ये बस यही मिलता है। इसके अंदर मुझे कोई गाइड वाइड नहीं मिली है, शायद आपको मिलने पता नहीं, मुझे तो इसके अंदर कोई गाइड नहीं मिली है। बस इस बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है जो लिखा होना था। अब हम इसे इसे रैपर से बाहर निकाल लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। तो इसके ये जैसे कि ऐसे है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की क्लिप सी लगी हुई थी, वो मैंने हटा दिया। अब इधर इसके यहाँ पर 2 पोर्ट्स हैं। ये पिंक वाला पोर्ट है ये माइक के लिए, एंड ये स्पीकर वाला जो है ये उस स्पीकर के लिए है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में सिर्फ एक ही पोर्ट है, अलग की सीपीयू अगर आपके पास है या कंप्यूटर है, तो आपके पास 2 पोर्ट्स होते हैं अलग अलग। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर एक ही पोर्ट होता है, तो आप एक ऑक्स स्प्लिटर केबल ले सकते हैं उसके लगाने के लिए, या फिर एक ड्यूअल ऑक्स टू U1 USB पोर्ट वाली केबल ले सकते हैं। तो इनके हमें ऊपर जो कैप्स लगी हुई हैं, इन्हें हटा देते हैं। अब मैं इसकी वायर्स को ठीक कर लेता हूँ। ये रही इसकी वायर्स। तो इसके अंदर ये थी बात है कि क्या अक्सर क्या होता है, दोनों स्पीकर्स के अंदर से दो दो वायर निकलते हैं, फिर वजह एक साथ वायर अटैच होती है। इसके अंदर एक ही जगह से वायर निकलती है, और फिर ये यहाँ से ऐसे घुमा सकते हैं और फिर उसे ऐसे पहन लिया। तो ये भी मैंने इसे कॉन्फ़िगर किया था अपने कंप्यूटर में, तो ये बड़ी अच्छी तरीके से चला था। हालांकि मैं अभी अपने लैपटॉप में नहीं चला पाया हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऑक्स स्प्लिटर केबल लेनी है। अगर आपको लैपटॉप के अंदर चाहिए तो फिर आप वो अगर आपको ऑक्स स्प्लिटर केबल और 2 USB 2 1 ऑक्स केबल मिल रही है, तो आई वुड प्रेफर ऑक्स 2 USB केबल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैंने इसे अपने कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया, तो इनकी स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास एक बोट 900 वायरलेस भी है, उसके स्पीकर्स का साइज़ छोटा है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। ये इतना ज़्यादा पोर्टेबल नहीं समझ सकते आप इसे, क्योंकि इसके अंदर वायर है और ये सब है, तो ये इतना पोर्टेबल नहीं है। तो फिर ये पोर्टेबल नहीं है, इसलिए इसके स्पीकर का यहाँ से देखिए साइज़ भी बहुत बड़ा कर रखा है। यहाँ से इसकी जो ये एक्सपांडेबल है, एंड इसे आप बहुत ऊपर तक एक्सपांड कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर लेवल्स भी बने हुए हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। इसका माइक अच्छे से एडजस्टेबल माइक है इसके अंदर, तो मुझे आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। एंड इसका सबसे अच्छा फीचर है इसका एडजस्टेबल माइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टू सब्सक्राइब SL Technical फॉर फर्दर अनबॉक्सिंग वीडियोज़।